दोस्तों मेरे बॉडी पे जो ब्लाउज है पीछे का ब्लाउज है और डायरेक्ट फैब्रिक पे मैंने काटिंग किया था और इसमें ग्लास नेक है। अगर आपने इस ब्लाउज का काटिंग वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। आज मैं आपको सिलाई दिखाऊंगी। देखिए पीछे का ब्लाउज का काटिंग और सिलाई अगर सही तरीके से नहीं होता है उस टाइम पे आपके ब्लाउज का शोल्डर जरूर गिरेगा और आर्म होल पे बहुत फुलान होगा। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो तो फिटिंग्स कितना अच्छा हुआ है और आज मैं आपको इसका सिला दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो फिर चलिए दोस्तों देख लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सविता। उम्मीद है आप सब लोग बहुत 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 अच्छे हो। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, कौन कहाँ से मेरे वीडियो देखते हो कमेंट में जरूर लिख देना, तब मुझे बहुत ही अच्छा लगती है। तो फिर चलिए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए जिस तरीके से ब्लाउज का फैब्रिक काट किया था सेम तरीके से मैंने अस्तर काटिंग करके इसमें देखिए एक साथ मैंने जोड़ लिया। आपको भी ऐसे ही जोड़ लेना है। पूरा मैंने अलग अलग इसमें देखिए कंप्लीट कर लिया। तो जो फैब्रिक है ना बहुत ही सॉफ्ट है जिसके कारण मैंने मशीन से सिलाई नहीं किया। यहाँ पे सुई धागा से मैंने हाथ से सिलाई किया। देखिए जब बहुत ज्यादा फैब्रिक सॉफ्ट होता है ना उस टाइम पे हाथ से सिलाई करने से अच्छा होता है। अभी इसको तैयार करना है। सबसे पहले हमें ये जो बैक पार्ट का ग्लास नेक है ना ये हमें सिलाई करना है। तो ज्यादातर लोगों का ग्लास नेक पे दिक्कत होता है, उनको समझ में नहीं आता इसे पोटली कैसे लगाना है। सही तरीके से अगर नहीं होगा ना उस टाइम पे ग्लास नेक का फिनिशिंग कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको कटिंग करना है और सिलाई करना है। देखिए दोस्तों तो जब भी ग्लास नेक होता है ना उस टाइम पे कोशिश कीजिएगा इसके हिसाब से काटिंग करने का। तो इसमें मैंने अस्तर लिया, आप चाहो तो अस्तर भी ले सकते हो या चाहो तो ब्लाउज का फेब्रिक भी आप ले सकते हो। इसको पहले बराबर इसमें इस तरीके से मिलाना है। अभी इसको निशाना लगा लो। इसको अभी हटा लो। इसमें आप अपने हिसाब से चौड़ाई ले सकते हो जितना भी लेना चाहते हो। जब भी ग्लास नेक होता है आप इस तरह से करके देखिएगा कितना अच्छा फिनिशिंग होता है। अभी इसमें बराबर ऐसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी देखिए सीधा इसको इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक सिलाई करके लेकर आना है, फिर यहाँ पे पूरा ऐसे सिलाई कर लेना है। लेकिन कॉर्नर पे आपको हल्का सा नीचे ना लगा के रखना है तो आपको समझने में इजी होगा। कहाँ से सिलाई को घुमाना है, जो निशाना है ना इसके हिसाब से सिलाई घुमाने में इजी होगा। अगर इसमें डोरी देना चाहते हो तो डायरेक्ट अंदर डोरी डाल देना है। मैं इसमें डोरी लगाऊंगी। ये डोरी मैंने तैयार कर लिया। ये जो लटकन है ना कैसे तैयार करना है इसका वीडियो अलग से आपको मिल जाएगा। अभी इस पे जरूर हल्का सा आपको काट लगा के देना है, नहीं तो कभी भी ये नेक पलटेगा नहीं। अभी इसमें इस तरीके से और एक सिलाई देना है। कॉर्नर पे आने के बाद इसको नाखून से ऐसे मिलाना है, फिर नीचे की तरफ से ऐसे ऊपर की तरफ पलट देना है। देखिए बिल्कुल कॉर्नर पे आपको यहाँ पे सिलाई देना है। दोबारा इसको घुमाना है।
ग्लासने के यहाँ पे तैयार हो गया है। अभी अंदर की तरफ आप डायरेक्ट प्रोफाइल लगा लो, इसमें इजीली कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए कैसे जब सिलाई करते हो ना, आपका नेक का फिनिशिंग कितना अच्छा होगा। देखिए हो गया है, ग्लास नेक रेडी है, बैक पार्ट कंप्लीट है। अब इसमें टैक्स लगाऊंगी। टैक्स लगाने से पहले इसमें सिलाई देना है। ये सिलाई देने से ब्लाउज का फैब्रिक और अस्तर दोनों बराबर रहता है। देखिए बैक पार्ट पूरा कंप्लीट है, अभी हमें फ्रंट पार्ट तैयार करना है। फ्रंट पार्ट सिलाई करने के लिए देखिए पहले फ्रंट पार्ट को लेना है, इसको इसमें देखिए हल्का सा तिरछा करके इसमें लेना है, ज्यादा नहीं हल्का सा। देखिए इसमें बिल्कुल बराबर हुआ है। कभी कभी क्या होता है थोड़ा कम ज्यादा होता है, कभी कभी होता है, लेकिन इसमें बिल्कुल बराबर हुआ है। देखिए इसमें हो गया है। अभी इसमें चाहो तो आप आयरन कर सकते हो पहले से ही। अभी इसमें देखिए और एक काम करना है, आर्म होल पे इसे पहले से मैंने दबा के काटिंग किया था, फिर भी हल्का सा यहाँ पे शेप लगाऊंगी मैं, थोड़ा सा और भी शेप लगा दूंगी। तो फ्रंट का जो आर्म होल है ना, इसका फिटिंग्स बहुत ही अच्छा होगा। आर्म होल पे हमेशा दबा के सिलाई करने का कोशिश कीजिएगा, तब क्या होता है इसमें जितना भी आपका फैब्रिक एक्स्ट्रा होता है ना, वो सिलाई के अंदर चला जाएगा और फिटिंग आपका बहुत ही अच्छा होगा। देखिए दोस्तों इसमें कितना अच्छे तरीके से ग्लास नेक तैयार हो गया है। अभी हमें फ्रंट पार्ट के साथ कैसे जोड़ना है वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए फ्रंट पार्ट का यहाँ पे तैयार हो गया। अभी इसमें जो टैक्स के लिए मैंने दिया ना, ये टैक्स हमें सिलाई करना है। तो टैक्स का जो निशाना है इसमें हल्का सा मैंने काट लगा के रख दिया था, बीच में से हमें 1½ इंच छोड़ देना है। छोड़ने के बाद इसमें सिलाई देना है। अभी इसको टक्स को भी लगा लेना है, तिरछा करके ये टक्स सिलाई ऐसे कर लेना है। देखिए अंदर मैंने टक्स इसमें लगा लिया। टक्स लगाने के बाद इसमें चेक करके देखना है ये दोनों बराबर हुआ है नहीं। अगर बराबर नहीं होता है उस समय दोबारा से सिलाई निकाल के आपको बराबर कर लेना है। अभी इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी सिलाई करना है। हुक पट्टी आई पट्टी इसमें सिलाई हो गया है। अभी फ्रंट नेक पे देखिए अलग अलग हमें नेक पट्टी सिलाई करना है, और इसलिए हमें उरे पट्टी जरूर लेना है। इसको इस तरीके से घुमा के हमें सिलाई कर लेना है, उसके बाद हमें बैक के साथ जोड़ना है। देखिए इसमें मैंने नेक पट्टी अलग से सिलाई कर लिया, अभी ये बैक पार्ट लेना है। देखिए बैक पार्ट को बिल्कुल इसके साथ मिला के रखना है। ये जो जॉइंट है ना पोटी का, बिल्कुल इसके अंदर रखना है, ऐसे मिला के रखो। फिर यहाँ पे सीधा करके सिलाई लगा दो। उससे पहले इसमें सा होता हल्का सा ऐसे फुल कर सकते हैं। देखिए ऐसे देखिए ये जो फैब्रिक है ना, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ना, पूरा पूरा ये ऐसे अंदर रहेगा। तो अभी दोबारा से इसको क्या करना है, इस तरीके से और एक सिलाई देना। दोनों सिलाई है ना, दोनों शोल्डर का सिलाई बिल्कुल बराबर होना है। अभी देखो देखिए पलटने के बाद जो यहाँ पे जॉइंट का फैब्रिक है ना, पूरा अंदर चला गया है। अभी इसमें हल्का सा काट लगा दो। ये हल्का काट लगाने के बाद आप अंदर इस तरीके से तुरपाई कर लो, ऐसे इजीली तुरपाई कर लो। इसमें अभी चाहो तो आप मशीन से पहले सिलाई कर सकते हो, बाद में तुरपाई कर सकते हो।
तो मशीन से मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी, तब बहुत जल्दी होता है। ये जो स्लीव्स है ना, किस तरीके से सिलाई करना है आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। देखिए एक साथ देने में वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होता है और आप लोग यहाँ पे स्किप कर लेते हो, जिसके कारण मैं अलग से आपको दिखाऊंगी कैसे ये जो स्लीव्स है ना सिलाई करना है। देखिए पूरा यहाँ पे सिलाई हो गया है। अभी ब्लाउज के साथ हमें ज्वाइन करना है, शोल्डर की बिल्कुल मिडल से हमें ज्वाइन करना है। दोबारा से हमें शोल्डर का मिडल पे आना है। देखिए कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे हो गया है। अभी देखिए आर्मोल पे इसमें बराबर मिलाना है और बैक और फ्रंट मिला के यहाँ पे सीधा करके इस तरीके से सिलाई देना है। देखिए साइड पे यहाँ पे जॉइंट लगा लिया। अभी देखिए बैक के हिसाब से फ्रंट पे थोड़ा सा लंबा हुआ है, जितना भी लंबा हुआ है ना इस तरह काट कर लेना है। जितना लंबा है इसको पहले निशाना लगा लेते हो। इसको चाहो तो काटिंग भी कर सकते हो या चाहो तो ये जो यहाँ पे पट्टी है ना इसके अंदर भी इसको डायरेक्ट डाल सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी इसमें सीधा करके कमर पट्टी सिलाई कर लेती हूँ। कमर पट्टी सिलाई हो गया। अब इसमें हुक और आई तैयार करना है और यहाँ पे नेक पे तुरपाई करना है। फिटिंग्स भी मैंने लगा लिया। तो देखिए फिटिंग्स किस तरीके से लगाना है, अगर आपको समझ में नहीं आता है मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। जितना आपके अपर चेस्ट है उससे टोटल हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, बिग साइज के लिए 1.25 एक्स्ट्रा लेना है। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आता है उस टाइम पे जितना आप बैक साइड पे काटिंग करते टाइम एक्स्ट्रा लेते हो ना, तो मैंने यहाँ पर 2 इंच लिया था तो 2 इंच से पहले निशाना देना है, उस पर थोड़ा सा इस साइड पे बढ़ा लेना है और उस साइड पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है। टोटल फ्रंट और बैक मिला के आपको सिर्फ यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है और बिग साइज के लिए आप 1.25 रख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हल्का लूजिंग होने से अच्छा होता है। कमर पे थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। फिटिंग्स देखिए कितना सीधा हुआ है। ज्यादातर लोगों का इस तरह से घुमा के होता है, तिरछा होता है, लेकिन सही तरीके से काटिंग और सिलाई करने से तिरछा आपका कभी भी नहीं होगा। आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा हुआ है। देखिए ग्लास नेक का जो तुरपाई है ना थोड़ा सा अलग होता है। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको समझा दूंगी कैसे सिलाई करना है। देखिए ग्लास नेक का सिलाई अगर सही तरीके से नहीं होगा ना, उस टाइप पे नेक का फिनिशिंग आपका कभी भी अच्छा नहीं होगा, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे तैयार हो गया है ब्लाउज। ब्लाउज का फिनिशिंग देख सकते हो कितना अच्छा हुआ है। दोस्तों मुझे उम्मीद है किस तरीके से ग्लास ने काटिंग करना है और सिलाई करना है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी कहीं पे कोई भी डाउट रहता है कमेंट में जरूर बताना, मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आने पे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगा और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।